चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द फॉलोइंग फिगर द मासेस ऑफ द ब्लॉक ए एंड बी आर सेम एंड ईच इक्वल टू एम, द टेंशन इन द स्ट्रिंग ओए, ओए ये है इसमें टी टू है ठीक है, और ए बी में टी वन है रिस्पेक्टिवली, द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम विद अ कॉन्स्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स एम जी ऑन बी, बी पे एक हॉरिजॉन्टल कॉन्स्टेंट फोर्स लगाया जा रहा है राइट साइड में, तो अगर इसका एफ बी डी आप बनाओगे, अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा, तो नीचे एम जी लगेगा क्योंकि इसका मास एम है, और इधर एक एम जी इधर लगाया जा रहा है एक्सटर्नल फोर्स, और थ्रेड में टेंशन जो है ये टी वन है, तो ये अगर थीटा वन है तो यहाँ एक कंपोनेंट जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा थीटा वन होगा, इसको मैं थोड़ा सीधा कर दूं ठीक है, इसको फोर्स को मैं थोड़ा सीधा कर दूं, ये फोर्स का डायरेक्शन होगा टी वन और इसका वर्टिकल के साथ भी थीटा वन बनेगा, तो ये टी वन कॉस थीटा वन हो गया और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टी वन साइन थीटा वन हो गया, इसका ये मतलब हुआ कि T1 cos theta 1 बैलेंस कर रहा है नीचे वाले mg को और T1 sin theta 1 बैलेंस कर रहा है राइट साइड के mg को, इसको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 कहा, और दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दें अगर तो क्या होगा, T1 स्क्वायर cos स्क्वायर theta 1 प्लस T1 स्क्वायर sin स्क्वायर theta 1 इज इक्वल टू mg का होल स्क्वायर प्लस mg का होल स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे तो T1 कॉमन टी वन स्क्वायर कॉमन ले लें तो कॉस स्क्वायर थीटा वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू एम स्क्वायर जी स्क्वायर हो जाएगा, और ये वैल्यू वन होती है तो टी वन स्क्वायर इज इक्वल टू टू एम स्क्वायर जी स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लें दोनों साइड का तो रूट टू एम इंटू जी, तो टी वन की वैल्यू निकालना था हमको रूट टू एम इंटू जी, ये बी वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।